हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था म्यूजियम टेक्निक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अल्ट्रा माइक्रोटोमी, ठीक है। माइक्रोटोमी आप लोगों को पता होगा क्या होता है, किसी स्पेसिमेन को कट करने के लिए हम क्या करते हैं, माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं, जिसमें जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं माइक्रोटोमी और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं माइक्रोटोम, ठीक है। जिसमें हम अलग अलग नाइफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसी टाइप में हम अल्ट्रा माइक्रोटोमी की बात करें तो अल्ट्रा माइक्रोटोमी जो होती है उसमें क्या होता है, बहुत थिन सेक्शन अगर हमको कट करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, अल्ट्रा माइक्रोटोमी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोटोमी जो होती है एक प्रोसेस होती है या मेथड होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है किसी सेक्शन को, किसी स्पेसिमेन को बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन या स्लाइस में कट किया जा सकता है, और जो सेक्शन हम कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा थिन सेक्शन, ठीक है। अब जब स्टडी करनी है हमको, जब हम बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन को कट कर लेते हैं तो उसकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंस मैग्निफिकेशन में हम क्या करते हैं, उसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें स्टडी करते हैं। तो अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसकी डिटेल्स को नोट करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो क्या है, एक टाइप है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, टेम एंड सेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड सेम, ठीक है। जिसमें क्या होता है, मोस्टली यूज जो होते हैं, ठीक है, इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। इसको क्या करते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, इसमें प्लास्टिक या सॉफ्ट मेटल का भी के लिए भी हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, प्लास्टिक या सॉफ्ट मेटल्स को भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सेक्शन जो होता है बहुत ज़्यादा थीन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, वो क्या कम वोल्टेज वाले यूज़ होते हैं, कम वोल्टेज वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थिक सेक्शन इसमें यूज़ करते हैं। अगर थिक सेक्शन लिया तो वो यूज़ेबल नहीं होगा, मतलब हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, थिक सेक्शन जो होगा उसकी स्टडी हम नहीं कर सकते हैं, काफ़ी थिन सेक्शन को हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। 150 नैनोमीटर जो है उससे भी थिन सेक्शन हम यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा थिक सेक्शन हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बेस्ट रिजोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, जो सेक्शन कट करते हैं वो कितना होना चाहिए, 30-60 नैनोमीटर का, ठीक है। 30-60 नैनोमीटर का हम क्या करते हैं, बेटर रिजोल्यूशन के लिए हम सेक्शन जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। अब रफली इक्विवेलेंट देखेंगे अगर इसका, तो स्प्लिटिंग जो 0.1 mm थिक का ह्यूमन हेयर लाइक जो रहता है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इंटू 2000 स्लाइसेस, ठीक है, अलोंग इट्स डायमीटर और कटिंग ए सिंगल सेल, जो सिंगल सेल होती है रेड ब्लड सेल जो होती है उसकी क्या होती है, 100 स्लाइसेस हम कट कर लें, इतना पतला सेक्शन हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोटोमी में। उसके बाद अगर बात करेंगे तो इसकी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोटोमी की जो प्रोसेस होती है उसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, तो अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होता है, अल्ट्रा थिन सेक्शन जो ऑफ स्पेसिमेन आर कट यूजिंग स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अल्ट्रा थिन सेक्शन को कट करने के लिए हम एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रोटोम। जैसे हमने बात की थी कि माइक्रोटोमी एक प्रोसेस होती है जिसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो क्या होता है, माइक्रोटोम, और जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं माइक्रोटोमी। उसी तरह अल्ट्रा माइक्रोटोमी मतलब बहुत ज़्यादा थिन सेक्शन को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्ट्रा माइक्रोटोमी जब होती है वो प्रोसेस होगी और मेथड होगी, और अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होगा वो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा, ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोटोम जो होता है उसमें क्या करते हैं, अलग अलग नाइफ को फिट करते हैं, जैसे कि माइक्रोटोम में अलग अलग नाइफ फिट होते हैं, वैसे ही अल्ट्रा माइक्रोटोम में भी अलग अलग जो नाइफ होते हैं वो फिट होते हैं, जिसमें डायमंड नाइफ जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ करते हैं, तो मोस्ट बायोलॉजिकल अल्ट्रा थिन सेक्शन के लिए, मतलब बायोलॉजिकल अल्ट्रा थिन सेक्शन को कट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमंड नाइफ का यूज़ करेंगे। वहीं ग्लास नाइफ का यूज़ करने के लिए इनिशियल कट्स लगाएंगे के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। दे आर न्यूमरस अदर पीसेस ऑफ इक्विपमेंट
इन्वॉल्व्ड इन द अल्ट्रा माइक्रोटॉमी प्रोसेस। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग पीसेस को भी हम इक्विपमेंट के जो पीसेस रहेंगे उनको भी हम वो भी इन्वॉल्व होते हैं अल्ट्रा माइक्रोटॉमी प्रोसेस में। ठीक है, फिर हम बात करें बिफोर सेक्शन सिलेक्शनिंग एन एरिया ऑफ द स्पेसिमेन ब्लॉक टू द अल्ट्रा थिन सेक्शन द टेक्नीशियन एग्जामिंड सेमी थिन और थिक सेक्शन। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम सेमी सिलेक्शन से पहले क्या करेंगे एरिया डिसाइड कर लेंगे स्पेसिमेन का, ब्लॉक्स कहाँ से हमको लेना है, फिर अल्ट्रा थिन सेक्शन जो है उसमें टेक्नीशियन जो रहेगा वो एग्जामिन करेगा कि उसको सेमी थिन सेक्शन लेना है थिक सेक्शन लेना है, कितना थिक सेक्शन लेना है वो डिसाइड करके हम क्या करेंगे उसको सेट कर लेंगे। ठीक है, जो हमको जिस रेंज में हमको सिलेक्ट करना है जितना हमको सेक्शन कट करना है, तो 0.5 to 2 माइक्रोमीटर का हम क्या करेंगे रेंजेस देखेंगे। ठीक है, इस रेंजेस में हम क्या करेंगे सेक्शन कट करेंगे। दिस थिक सेक्शन आर आल्सो नोन एज सरफेस सेक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं सरफेस सेक्शन बोलते हैं एंड आर व्यू अंडर ए लाइट माइक्रोस्कोप। इसको क्या करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर डिटरमाइन कर लेंगे व्हेन एरिया राइट एरिया दिस स्पेसिमेन। अब राइट एरिया को जो पोजीशन हमको लेनी होती है जो स्पेसिमेन की पोजीशन, इतना थिन सेक्शन होता है कि हम उसको पहले जो सेक्शन हम सेट कर रहे हैं जहाँ से हमको कटिंग करनी है उस सेक्शन को डिसाइड करने के लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप में उसको चेक करेंगे, उसके बाद हम उसको सिलेक्ट करके थिन सेक्शन उसके कट करेंगे। अल्ट्रा थिन सेक्शन फ्रॉम 50 to 100 नैनोमीटर थिक आर एबल टू बी व्यूड इन टेम। ठीक है, तो अल्ट्रा थिन सेक्शंस जो कि 50 to 100 नैनोमीटर थिक के होंगे उनको क्या करेंगे हम व्यू देख सकते हैं, मतलब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करेंगे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे इसकी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।